वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कनेक्ट टेक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यूट्यूब जो है आपको कितने व्यूज़ के ऊपर कितने पैसे देते हैं। अब इसके अंदर हम बात करेंगे सिर्फ शॉर्ट्स के हवाले से, यानी जो यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं, तो जो शॉर्ट्स फंड है वो आपको कितने व्यूज़ के ऊपर मिलता है, यानी जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं उसके ऊपर तो आपका जो चैनल मोनिटाइज होता है उस पर आपको जो व्यूज़ के ऊपर पैसे मिलते हैं, अर्निंग होती है, वो अलग चीज़ है। हम आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ शॉर्ट्स के टॉपिक को लेकर कवर करेंगे कि आप अगर शॉर्ट्स पर काम करते हैं तो कितने व्यूज़ मैक्सिमम आते हैं, तो आपको यूट्यूब की तरफ से शॉर्ट फंड जो है वो दिया जाएगा, आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है इस हवाले से हम शॉर्ट को कवर करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। तो बात करते हैं, देखिए आपको ये तो पता है कि शॉर्ट वीडियोस कौन सी होती हैं जो आप वर्टिकल बनाते हैं। ठीक है, अब बास लोग कहते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल वीडियो, जिस तरह आप मेरी ये वीडियो देखते हैं, अगर ऐसी वीडियो बनाएंगे तो आप ऐसी सूरत के अंदर आपको पता होना चाहिए, अगर आप 10 से 15 सेकंड की भी बनाते हैं आप उसकी लेंथ को तो कह सकते हैं ये शॉर्ट है, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर नहीं जाती। शॉर्ट्स के अंदर जाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी वीडियो वर्टिकल हो, तो ये आपको पता है। हमने बात करनी है कि कितने व्यूज़ पर आपको कितनी अर्निंग मिलेगी और कब आपको फंड मिलेगा। देखिए, जो YouTube शॉर्ट्स के हवाले से आपको पता है, पिछले चंद माह पहले जो है पाकिस्तान एलिजिबल हुआ था शॉर्ट फंड के लिए। अब काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो क्रिएटर्स हैं जो कि शॉर्ट पर काम कर रहे हैं उनको YouTube की तरफ से शॉर्ट फंड दिया जा रहा है। अब उनके व्यूज़ जो है वो मंथली मिलियंस में आते हैं, मिलियंस व्यूज़ आते हैं तो उनको शॉर्ट फंड दिया जाता है। मिनिमम जो है वो शॉर्ट फंड स्टार्ट होता है $100 से। ठीक है, आपको मिनिमम जो है वो $100 शॉर्ट फंड दिया जाता है। अब सवाल ये होता है कि क्या सिर्फ हमारी एक वीडियो के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आना लाजमी है फिर ही हमें जो है वो शॉर्ट फंड दिया जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी ओवरऑल अगर फर्स्ट करें आपके चैनल के ऊपर 100 शॉर्ट वीडियो है, तो 100 की 100 वीडियोज़ की अगर व्यूज़ को कलेक्ट किया जाए और वो मिलियंस में बनते हैं तो आपको शॉर्ट फंड जो है वो दिया जाएगा। यानी आपने सिर्फ काम करते रहने और वीडियोज़ डालते रहने, और देखें यूट्यूब शॉर्ट्स पर जब आप काम करते हैं न्यू चैनल के ऊपर तो आपके जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। ठीक है, शॉर्ट्स को जो है वो यूट्यूब खुद प्रमोट कर रहा है, तो आप शॉर्ट्स का अलग से चैनल भी बनाएं, और जिस टॉपिक को लेकर आप शॉर्ट का चैनल बनाते हैं जब आप उससे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हासिल कर लें तो उसी के मुतालिक आपने शॉर्ट भी बनाते जाने हैं और उसी को आपने लॉन्ग के अंदर भी तब्दील करना है। लॉन्ग वीडियोज़ भी उसी हवाले से बनानी है ताकि आपका लॉन्ग के ऊपर वॉच टाइम कम्प्लीट हो। शॉर्ट्स वीडियोज़ के ऊपर जो वॉच टाइम है वो काउंट अभी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वीडियोज़ का वॉच टाइम काउंट होता है मोनेटाइजेशन के लिए। शॉर्ट्स वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होता, शॉर्ट्स वीडियोस के जो व्यूज़ हैं उसके ऊपर आपको शॉर्ट फंड दिया जाता है। अब आपके मिलियंस में व्यूज़ आ गए सिर्फ शॉर्ट के ऊपर, आपको यूट्यूब की तरफ से मेल आता है कि आप एलिजिबल हो गए हैं शॉर्ट फंड के लिए। अब वो जितना आपको दिया जाएगा तकरीबन 10 मिलियंस व्यूज़ आराम से आ जाते हैं, और कितने व्यूज़ के ऊपर तकरीबन आपको 150 से 250 डॉलर के दरमियान जो है आपको फंड दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर इतना दिया जा रहा है। अब आपको जो है वो एडसेंस लिंक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर तो आपका चैनल नॉन मोनेटाइज है तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन भी दूर कर लें कि चैनल का मोनेटाइज होना लाजमी नहीं है शॉर्ट फंड लेने के लिए। अगर आपका चैनल नॉन मोनेटाइज भी है फिर भी आपको जो है यूट्यूब शॉर्ट्स फंड दिया जाएगा। आपको सिंपल जो है वो एडसेंस लिंक करने की ऑप्शन मिलेंगी, आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ एडसेंस को लिंक करेंगे। जैसे लिंक करेंगे तो आपको जो है एडसेंस अकाउंट के अंदर आपकी अर्निंग ऐड हो जाएगी, जो शॉर्ट फंड आपको मिला होगा। फिर एडसेंस का कुछ तरीकाकार होता है कि आप पिन वेरीफाई करवाएंगे, आपके घर पिन आएगी उसको वेरीफाई करें अपने एडसेंस को, देन आप अपना जो पेमेंट मेथड है यानी अपना बैंक अकाउंट लगाएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में तकरीबन 22 से 26 डेट के दरमियान जो है वो इतने दिनों के अंदर आपके जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी एडसेंस के अंदर पहले और फिर एडसेंस से आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो चैनल का मोनेटाइज होना लाजमी नहीं है। अब अगर बात करें आप मोनेटाइज चैनल आपके पास है, लॉन्ग वीडियोज़ पर काम कर रहे हैं, उसी से मतलब शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं, शॉर्ट्स के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, लॉन्ग से अलग अर्निंग होगी जो आपकी एडसेंस से होती है, और शॉर्ट्स फंड जो है वो आपको अलग मिलेगा, वो आपके एडसेंस के अंदर शॉर्ट की अलग जो है वो अर्निंग ऐड होगी। यानी अगर तो आप शॉर्ट से आपने चैनल का स्टार्ट किया तो शॉर्ट के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, फंड मिलना भी स्टार्ट हो गया, उसी टॉपिक को आप लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाए ताकि आपके लॉन्ग के ऊपर भी व्यूज़ आए, लॉन्ग से आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवाएं और अब आपको शॉर्ट फंड भी मिलता जाएगा। अगर आप शॉर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और साथ लॉन्ग के ऊपर भी उसी चैनल के ऊपर कर रहे हैं तो आपको जो अलग से एडसेंस से अर्निंग है वो भी होती रहेगी। यानी बहुत से लोग कहते हैं कि शॉर्ट्स के ऊपर अगर हम काम करते हैं सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन अगर उसी चैनल के ऊपर लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हैं तो व्यूज़ नहीं आते। देखिए वो इस वजह से नहीं आते कि आपका शॉर्ट का टॉपिक बोर होता है और आपने जो सब्सक्राइबर्स लिए होते हैं, लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया वो किसी और टॉपिक के ऊपर किया होता है जिस टॉपिक के ऊपर आप शॉर्ट बना रहे हैं। अब आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो आप टॉपिक चेंज कर लेते हैं, तो वो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने आपके पिछले टॉपिक को देखकर सब्सक्राइब किया चैनल, वो अब आपके
न्यू टॉपिक को लोगों की सूरत में नहीं देखते। अगर आप एक ही टॉपिक रखेंगे फिर आपकी लाजमी व्यूज आएंगे, और ऐसे बहुत से चैनल मैंने देखे हैं जिन्होंने शॉर्ट से जो लाखों सब्सक्राइबर्स किए और उसी टॉपिक्स को लेकर जो वो शॉर्ट भी बनाई जा रहे हैं और लॉन्ग भी, और उनके लॉन्ग भी जो है आप शॉर्ट से ज्यादा व्यूज ले रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने भी इस तरह से काम करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको शॉर्ट फंड कब दिया जाता है जब मिलियंस में शॉर्ट्स व्यूज आते हैं। चैनल का मोनेटाइज होना लाजमी नहीं, आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि एडसेंस लिंक करने का अगर नॉन मोनेटाइज चैनल भी है आपके पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला, और अगर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।